ये बचपन की याद जो है वो ताज़ा हो रही है आज। बचपन में हम चीनी वाली रोटी खाते थे, तो ये बाजी ने घी डाला है, ऊपर डाल रही है चीनी। ये देखे चीनी, कितनी भर भर के हम चीनी डाल रहे हैं, और इसमें से हमें कुछ निवाले शायद मिल जाएं। बन रही तो ये वालदा मुतरमा के लिए, ये इसको ऐसे फोल्ड किया, फिर ऐसे किया, फिर ऐसे किया, फिर थोड़ा सा मैं करता हूँ ऐसे इसको फोल्ड किया। अब इसको बेलेंगे हम। ये देखें, ये चकोर बनाई जा रही है रोटी। वैसे हम गोल भी बना लेते हैं, लेकिन चीनी वाली रोटी थोड़ी डिफरेंट होती है, तो इसको हम शेप भी डिफरेंट बनाते हैं। स्क्वायर। आपने कमेंट में लाजमी बताना है कि आपने कभी चीनी वाली रोटी खाई है कि नहीं खाई। हमने तो बचपन में बहुत खाई है। ये तवे के ऊपर आ गया घी, वो भी खालिस देसी घी, और ये रोटी हमने इसके ऊपर पा दी है। ये देखें जी, और देसी घी जो है इसके ऊपर डाला जा रहा है। क्या खुशबू आ रही है, काश आप ये खुशबू सूंघ सकते कि देसी घी और चीनी जो मेल्ट हो रही है, उसकी एक खूबसूरत महक जो है वो मेरी नासों में आ रही है, आपकी नासों में आ रही है। बहुत खूबसूरत खुशबू है। इसको तो अभी हम थोड़ी देर में परतेंगे। ये लें जी, आग भी हमने मट्ठी कर दी है थोड़ी सी। और ये हमने रोटी को परत दिया। अभी ये गोल्डन कलर जब देगी तो फिर हम इसकी दूसरी साइड जो है वो चेंज करेंगे। कुछ लोग इसको साइड को ऊपर कहते हैं, कुछ लोग नीचे वाली साइड को ऊपर कहते हैं, लेकिन हम जो इस टाइम नीचे साइड है उसको ऊपर कहते हैं। हम उसको गोल्डन ब्राउन करेंगे। इधर दूसरी तरफ देखें जी, आज हमने शॉपिंग की है। जब बाजार गए थे तो टमाटर लेके आए हैं, चंगे मोटे मोटे टमाटर हैं। आड़ू भी लिए हैं, और ये भी आड़ू हैं। मैंगोज हमने फ्रिज में रख दिए हैं। नहीं, ये जी मैंगोज फ्रिज में नहीं हैं, दूसरी तरफ पड़े थे, तो ये मैंगोज भी हमने आज लिए हैं। आम सफेद चौंसा। तो चले आपको वापस रोटी दिखाता हूँ कि रोटी कहाँ पर पहुंची है। वाह जी वाह जी, दूसरी तरफ से बहुत ही कमाल की पक चुकी है। क्या खूबसूरत कलर आ गया है। ये देखें जी व्यूअर्स, और कितनी खूबसूरत खुशबू आ रही है। एक साइड से इसको हमने अच्छी तरीके से पका लिया है, तो अभी दूसरी साइड से थोड़ा सा हम इसको और पकाएंगे और रोटी तैयार हो जाएगी। और सबका दिल कर रहा है कि ये रोटी खाई जाए, लेकिन एक ही बनाई गई है आज आपको दिखाने के लिए। अगर हम इसको थोड़ा थोड़ा चखेंगे मीठी रोटी को, तो फाइनली जो हमारी मीठी चीनी वाली रोटी है वो तैयार हो चुकी है। अभी हम इसको करेंगे डिश आउट, मतलब प्लेट में ला लेंगे हम इसको। कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी बताना है कि आपने कभी चीनी वाली मीठी रोटी खाई है कि नहीं खाई। तो हम अभी जो है वो मीठी रोटी खाएंगे। ये हम इसको प्लेट में उतारने लगे हैं। ये देखिए जी, वाह वाह वाह, ये देखें कितना एक्यूरेट साइज बनाया है बाजी ने, कि जितनी बड़ी प्लेट है उतनी बड़ी रोटी। आपको शायद प्लेट छोटी लग रही हो, लेकिन ये प्लेट बहुत बड़ी है, चावलों वाली प्लेट है, जिसके अंदर बंदा भर भर के मंड के जो है ना वो चावल डाल सकता है, खा सकता है। तो ये वालदा आपकी मीठी रोटी, चीनी वाली रोटी।
खाएं और बताएं कैसी बनी है। ठंडी होने का वेट कर रही हैं। अरे जी अम्मी जान जो है ना वो ठंडी होने का वेट कर रही हैं, मतलब ठंडा होने लगा है रोटा, तो उसके बाद जो है उसको खाएंगे। इसका जो मज़ा है वो और दुबाला हो सकता है अगर आप इसके ऊपर क्रीम डालें। ओए होए होए, मैं कहता हूँ जी मज़ा आ जाएगा आपको। मेरे मुंह में पानी आ रहा है इस टाइम इसको देख के ही। अभी मैं इसको खाऊंगा। तो हम रोटी खाने लगे हैं, आप भी खाना खाएं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट डिश के साथ आपके पास बहुत जल्द हाजिर होऊंगा मैं। अल्लाह ने कबान रब रखा, हंसते रहो ते वसते रहो। मैंने एक नवाला लिया सिर्फ और मैं भी चखने लगाऊँ क्योंकि मेरे मुँह में पानी आ रहा था। उस पानी को खुश करने के लिए मैंने एक नवाला लिया। कमाल का उसका टेस्ट होता है, बहुत मज़े की बनती है। तो आप घर में लाजमी ट्राई कीजिएगा। मीठी रोटी चीनी वाली आपने देख ली है कि कैसे बनाई जाती है, बहुत मज़ा आएगा।